नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट वीआर झारखंड देख रहे हैं। नवादा में जिस तरह से महादलित बस्ती में आग लगा दी गई, उसके बाद बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है उसका किरकिरी होने लगा। लगातार मुख्यमंत्री के जो करीबी मंत्री हैं या नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री के इस सुशासन की सरकार पे सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सब देखते हुए उन्होंने फैसला लिया और तमाम जो अधिकारी हैं आला अधिकारी उनको बुला लिया एक मार्ग। उसके बाद बैठकों की दौर शुरू होती है। उस बैठक में बिहार के डीजीपी हो या मुख्य सचिव हो, तमाम ऐसे आला अधिकारी मौजूद रहते हैं और नवादा कांड पे फीडबैक लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिर ये घटना घटी कैसे और घटी है तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होता है। और इस तमाम जो तस्वीरें थी एक मार्ग की, उस तस्वीर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो एक सैंडल है उस पे फोटो तस्वीर डाला जाता है, उसके बाद ट्वीट किया जाता है। लेकिन अब उसको ट्वीट को रीट्वीट बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर दिए हैं और लिख दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ इसी तरह के बैठक करते हैं। हम आपको पढ़कर बताते हैं कि क्या कुछ लिखा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है, कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हर बार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने में की सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं। नीतीश जी का इकबाल यह है कि प्रदेश में ऐसे प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि अधिकारी एवं अपराधी भी ऐसे बैठकों की असलियत जानते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दिखावे एवं फॉर्मेलिटी के लिए सीएम अचानक ऐसे बैठक बुला लेते हैं। ऐसे समीक्षा बैठक का क्या फायदा औचित्य जिसमें राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और एडीजी भी उपस्थित न रहे। शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति दर्शाती है कि विधि व्यवस्था पर मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं। एनडीए सरकार अपराधियों की संरक्षित एवं उपेक्षित कर बिहारवासियों की जान के साथ खेल रहा है। और ऐसे में तेजस्वी यादव जब रिट्वीट करते हैं तो ये खबर फैलती है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ये कानून व्यवस्था है और जो ये शासन है, इस शासन का आलोचना पूरे बिहार में हो रहा है। महादलित बस्ती में आग लगने के बाद नीतीश कुमार के सुशासन के सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार पिछले दिनों जो क्राइम का जो स्थिति है बिहार में उसको बताते हैं कि बिहार में कितना हत्या हो रहा है, कितना दुष्कर्म हो रहा है और कितना गोली चल रहा है। लगातार ऐसे ग्राफों को दर्शाते हैं, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सुशासन वाली सरकार का पोल खोल दिया है, बताया है कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ये नवादा कांड हुआ है इसको लेकर एक गंभीर मीटिंग बुलाते हैं और उस गंभीर मीटिंग में डीजीपी और समेत तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वही नजारत रहते हैं। हालांकि इस तमाम पोस्ट के बाद प्रतिक्रिया आने लगी है। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का, आपने एक सैंडल पर देखा। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबर बने रहे, आप फर्स्ट वीआर झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।